नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 11th ऑफ अक्टूबर 2021 के बारे में। 11 अक्टूबर 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ मैं बात करूँगा अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में, जिसको करने से आप अपने दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बना सकते हैं। 11th ऑफ अक्टूबर 2021 सोमवार का दिन रहेगा, सप्ताह की शुरुआत का दिन है और साथ ही साथ ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर देखा जाए तो शनि भी यहाँ पर मार्गी होने वाले हैं। बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखा जाए तो ये दिन प्लस और माइनस दोनों ही तरह की चीज़ें आपके लिए रखने वाला है। आज के दिन में आपको इमोशनली वीक होने से बचना है और पूरी तरह से सावधानी यहाँ पर आपको रखनी है। अननेसेसरी की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मन से थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है या मन में किसी बात को लेके कोई बहुत गहरी बात आपको चुभ सकती है, ऐसी भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना हो सके आराम से पेशेंस रख के काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन में आपका कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश भी कर सकता है, इसके भी चांसेस यहाँ पर आपके बनेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से आराम से यहाँ पर दिल निकालना है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा, मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहेगा और ऐसा लगेगा कि यार दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबा दिन है और चलता ही जा रहा है, कुछ इस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती हैं। आज के दिन आप सभी को बहुत आराम से इस दिन को निकालने की कोशिश करनी है। संघर्ष और संघर्ष के बाद सफलता वाला दिन है, तो इसीलिए स्टार्टिंग का जो दिन रहेगा, शुरुआत का जो दिन रहेगा, उसमें संघर्ष की कहानी ज़्यादा रहेगी, बाद के दिन में सफलता की कहानी ज़्यादा रहेगी, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। आप सभी को अपने आप को शांत रख के निराश नहीं करना है और पॉजिटिव रख के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग दिन रहेगा, यहाँ पर ब्रेकअप्स हो सकते हैं, लव एंड अफेयर में दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो सकता है और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं, तो इसीलिए रिलेशनशिप में बहुत संभल कर रहने की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि आप सभी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। देश और दुनिया में यहाँ पर देखा जाए तो देश और दुनिया में दिन अच्छा जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। प्राकृतिक आपदाओं की परेशानियाँ यहाँ पर दिख सकती है, अनावश्यक वर्षा यहाँ पर आती हुई दिख सकती है और साथ ही साथ किसी न किसी तरीके से कोई न कोई मुद्दा यहाँ पर उठ सकता है, इसके चांसेस यहाँ पर बनते हैं। स्पेशली कोई बड़ा भूकंप यहाँ पर आता हुआ ज़रूर दिखाई देता है या भूकंप का झटका यहाँ पर लगता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। खासकर अगर डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ यहाँ पर आता हुआ थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। आज के दिन आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना अपनी सेहत के लिए भी, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं, गैस्ट्रिक परेशानियाँ आपको ज़्यादा रहेंगी और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि इमोशनली थोड़े से वीक रहेंगे, इसके कारण से आपको थोड़ी दिक्कतें थोड़ी परेशानियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर ना हो। राशियों के लिहाज से अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और साथ ही साथ धनु राशि, कुंभ राशि आपके लिए समय अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती। इसके अलावा नंबर्स में अगर हम बात करें तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 8 आप सभी के लिए दिन अच्छा जाएगा, कोई भी ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट्स में आप नोट कर लीजिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, C, D, F, H, M, P, R और V, आप सभी के लिए दिन अच्छा जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती। चलिए अब बात कर लेते हैं अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में, जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बना सकते हैं। इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर बता देता हूँ आप सभी को कि मैं अक्टूबर के लास्ट वीक में पुणे में, नवी मुंबई में और मुंबई में ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में रहूँगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि अचूक उपाय क्या है और एंजल नंबर क्या है, जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंजल नंबर में जो आपको इस्तेमाल करना है नंबर, वो नंबर आपको नोट कर लीजिए आप। ये जो नंबर आपका रहेगा ये रहेगा 77325,
बहुत इम्पैक्टफुल नंबर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है और ये नंबर आज आपको एक नई एनर्जी देगा और ये नंबर आपके कामों को बनाने में आपकी मदद करेगा। ये जो दिन जो डिफ़िकल्टीज़ के साथ आ रहा है, इन डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। इस नंबर को आपको एक पीले कलर के कागज़ के ऊपर लिखना है, एक येलो कलर के पेपर के ऊपर लिखिएगा और वो पेपर अपने साथ रखिएगा पूरे दिन, जहाँ पर भी जाते हैं, बाहर जाते हैं तो भी, ऑफिस जाते हैं तो भी, वर्क प्लेस पर भी, घर पर भी, और हर जगह अपने साथ रखिएगा। ये नंबर दिन में 2 से 3 बार रिकॉल करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो वैदिक उपाय आपको करना है उसमें आपको क्या करना है, आज के दिन स्पेशली सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ की आराधना का दिन है, भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, वो सभी लोग जो मंदिर जाते हैं, जो शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे विशेष कहूँगा कि आज के दिन शिवलिंग पर घी का अभिषेक ज़रूर करिएगा। आज के दिन घी का अभिषेक अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा यहाँ पर आपको दिखाई देता है। वो सभी लोग जो घी का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, जो मंदिर नहीं जा पाएंगे, जो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाएंगे, जो शिव अभिषेक नहीं कर पाएंगे, वो सभी क्या करेंगे, वो सभी अपने घर पर ही, अपने मंदिर में ही, जहाँ पर भी स्थान है आपका, सुबह सुबह घी का एक दिया लगा लीजिएगा। बहुत सिंपल सा काम है, एक घी का दिया आपको भगवान के चरणों में लगाना है और अपने दिन को अच्छा होने से और ज़्यादा उसको अच्छा करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आज के दिन केसर का टीका अपने माथे पर ज़रूर से लगाइएगा, याद रख के लगाइएगा, और परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर भी लगा लें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप सभी को आज के दिन किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स होकर आगे चलना है और ख़ासकर खाने पीने का पूरा पूरा ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। जैसे मैंने कहा गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी है ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको ना हो और ये दिन आपका आराम से निकल जाए। किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, किसी विशेष काम से बाहर जा रहे हैं तो येलो कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और आप लाइट कलर का और लाइटिश ब्लू का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको रहता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए अच्छा जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी ना हो आपको और बड़े आराम से आप इस दिन को निकाल दें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।